नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मेरा नाम है विशाल और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल प्ले स्टोर पर अपनी ऐप को पब्लिश कैसे करना है। दोस्तों अगर आपने यदि कोई एक ऐप बनाई है और आप चाहते हैं कि उसको आप प्ले स्टोर पर पब्लिश करें, प्ले स्टोर पर अपलोड करें, और आपके पास कोई डेवलपर अकाउंट नहीं है तो उसको कैसे अपलोड करना है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताता हूँ। और यदि आपने एक डेवलपर अकाउंट बनाया है, आपने एक नया डेवलपर अकाउंट बनाया है और आपको अब उसमें ऐप को पब्लिश करना है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ऐप को डेवलपर अकाउंट में पब्लिश कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप एक डेवलपर हैं, आपके पास एक डेवलपर अकाउंट है और आपको अपनी ऐप को पब्लिश करना है तो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा डेवलपर अकाउंट ओपन हो चुका है और आपको इसमें जैसे ही अगर एक ऐप को पब्लिश करना है सबसे पहले आप जाएंगे क्रिएट एप्लीकेशन में। यहाँ पर आपको ऐप का नाम देना होगा। तो जैसे मैं अभी आपको एक ऐप पब्लिश करके ही दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मेरे ऐप का नाम है पासेस फॉर एपिसोड गाइड, इसको मैं कॉपी कर लूंगा यहां से और यहां पर कर लेंगे पेस्ट और फिर आपको करना होगा क्रिएट। अच्छा, ये इस नाम से मैंने ऑलरेडी इस ऐप को अपलोड किया है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि पासेस फॉर गाइड एक्चुअली मैंने इसको पब्लिश नहीं किया दोस्तों। मैंने आप क्रिएट एप्लीकेशन में जाके इसको आपको सब ये डिटेल्स आपको सबमिट करनी होगी। सबसे पहले ऐप की डिस्क्रिप्शन, फुल डिस्क्रिप्शन और ऐप की स्क्रीनशॉट, ऐप की आइकन और दोस्तों ये एक होता है फीचर ग्राफिक, इसको भी दोस्तों ये भी एक इमेज ही है, इसको भी आपको अपलोड करना ज़रूरी है। तो दोस्तों दो स्क्रीनशॉट जो कि ज़रूरी है, एक आइकन और ये एक फीचर ग्राफिक फ़ोटो। और आपको यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी जैसे कि मैंने कर लिए एप्लीकेशन एंटरटेनमेंट को सेलेक्ट कर लिया है। और अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पर आप उस वेबसाइट को शेयर करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल शेयर करने की, फ़ोन नंबर जो कि नेसेसरी नहीं है। और अगर आपकी ऐप की कोई प्राइवेसी पॉलिसी है तो उसकी लिंक आप यहाँ पर शेयर करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको यहाँ पर टिक करेंगे। ये करने के बाद आपको जाना होगा यहाँ पर सेव ड्राफ्ट करना होगा। मैंने पहले ही कर लिया था तो अभी वो ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, आपको सेव ड्राफ्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको जाना होगा ऐप रिलीज में। दोस्तों ऐप रिलीज में आपको यहाँ से अपनी एक एपीके फाइल सेलेक्ट करनी होगी, मैनेज प्रोडक्शन में जाके एडिट रिलीज। दोस्तों यहाँ पर आपको अपलोड एपीके करना होगा। दोस्तों मैंने अपलोड कर ली है अपनी ऐप तो मेरे को फिर से नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ से सिर्फ दोस्तों आपको अपलोड करनी है ऐप। जैसे ही आप ऐप को अपलोड करेंगे तो यहाँ पर ये टिक लग जाएगा राइट का। उसके बाद दोस्तों आपको आना होगा कंटेंट रेटिंग में, यहाँ पर आपको करना होगा कंटिन्यू। और दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से अपनी ईमेल शेयर करनी पड़ेगी तो मैं उसी ईमेल को कॉपी कर लेता हूँ। पर आप ईमेल शेयर करेंगे और यहाँ से आपको एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी जैसे कि मैंने वहाँ पर भी एंटरटेनमेंट की थी, अभी मैं एंटरटेनमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर कुछ आपसे आपके ऐप के लिए पूछेगा कि क्या आपकी ऐप में कुछ वायलेंस है, तो जैसे कि मैं नो, आपकी ऐप में कुछ फियर्स नो, सेक्सुअलिटी नो, गैम्बलिंग, तो सो जनरली हम इन सबको नो कर देते हैं। मैं इन सबको नो कर देता हूँ, आप एक बार रीड करके यस या नो कर लेना।
सेलेक्ट करके और सेव करेंगे कैलकुलेट रेटिंग। यहाँ पर दोस्तों आपके ऐप की रेटिंग कैलकुलेट होती है और ये अप्लाई रेटिंग दोस्तों देख, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी टिक हो गया है। और ये लास्ट है अपना प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों अब आप इसमें आएंगे और यहाँ पर आप बताएंगे कि आपकी ऐप पेड है या फ्री है। तो जैसे कि मेरी ये ऐप फ्री है, यहाँ पर आपको अवेलेबल करना होगा, इससे ये ऑल कंट्रीज़ में अवेलेबल हो जाएगा। आप पर्टिकुलर कोई कंट्री को हटा भी सकते हैं या सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपके ऐप में एड्स हैं या नहीं। तो जैसे कि मेरे ऐप में एड्स हैं तो मैं इसे यस कर देता हूँ, चाइल्ड डायरेक्टेड में नो कर देता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों आप सबको छोड़ सकते हैं और नीचे आपको जो ये गूगल्स के लॉस को टिक करना होगा और कंटेंट गाइडलाइंस को, और फिर से दोस्तों यहाँ आके आपको सेव ड्राफ्ट करना होगा। सेव ड्राफ्ट करने के बाद दोस्तों आप फिर से आ जाएंगे। यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हैं कि रेडी टू पब्लिश आ गया है। हम यहीं पर क्लिक कर देंगे रेडी टू पब्लिश, मैनेज रिलीज। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों ये ऐप पब्लिश होने के लिए रेडी है। पेंडिंग पब्लिकेशन मतलब दोस्तों इसको एक बार गूगल चेक करता है आपके ऐप को कि आपकी ऐप सही है या नहीं है। तो दोस्तों ये थोड़ा टाइम लेता है, 1 hour to 2 hours इसका टाइम रहता है दोस्तों, और ये अपने आप पब्लिश हो जाएगा। और दोस्तों दूसरा ये है कि अगर आपके पास डेवलपर अकाउंट नहीं है तो आप अपने ऐप को कैसे पब्लिश कर सकते हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों उसके लिए तो आप अगर किसी डेवलपर से कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर वो आपकी ऐप फ्री में पब्लिश करते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज दोस्तों आप फाइवर का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। फाइवर एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको आप अपनी ऐप पब्लिश करने के लिए सेलर को ढूंढ सकते हैं। जैसे कि फाइवर ओपन किया आपने और यहाँ पर सर्च किया पब्लिश एंड्रॉयड ऐप ऑन प्ले स्टोर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी $5 में एंड्रॉयड ऐप पब्लिश हो जाएगी प्ले स्टोर में। आप कहीं से भी सर्विस ले सकते हैं, आपको $5 पेड करनी पड़ेंगे दोस्तों। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरी ऐड है, इसमें मेरी गिग्स अपलोड हुई है विशाल3083। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों मैं भी फाइवर के थ्रू लोगों की ऐप अपलोड करता हूँ, पब्लिश करता हूँ। तो आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या किसी और से भी आप फाइवर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आपने देख लिया दोस्तों, यहाँ से आप डेवलपर अकाउंट से ऐप पब्लिश कर सकते हैं, और अगर आपके पास डेवलपर अकाउंट नहीं है तो आप फाइवर से ऐप पब्लिश कर सकते हैं, जिसकी आपको एक ऐप की चार्ज पे करनी पड़ेगी $5। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो ही कंप्लीट दोस्तों। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।